ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरदृशे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी काकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने इधर विश्राम दिया था कि रावण मारीच के पास जाता है और हमने उसको पढ़ा था, उसी व्याख्या भी की थी नीच का और उदास क्या के सर नवाता है। नीच का झुकना तो भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिजली का झुकना। हे भानी दुष्ट मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली है, जैसे बिना ऋतु के फूल का मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूरा बात पूछी। हे दाद आपका मन किस कारण इतना आदि विग्रह है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मर्द बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारिच ने कहा, हे दशी सुनिए, वे मनुष्य रूप के चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर 100 योजन आ गिरा, उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंग कीड़े की सी हो गया, अब मैं जहाँ तक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। तो पूछा, क्या जो कोई प्रभु के शरण जाता है चाहे जो मर्जी भाव हो, प्रभु सबको स्वीकार करते हैं, प्रभु किसी का त्याग नहीं करते। और यहाँ पर दिख रहा कि प्रभु ने मुझे बाण मार, जैसे तुम 100 योजन दूर आके गिर गए, लगता है ये तो कोई विपरीत कार्य प्रभु ने किया स्वीकार करने के बजाय। तो मारिते का वास्तव प्रभु ने मुझे स्वीकार ही तो किया है। कहते वो कैसे? कहते जब पहली बार मैं प्रभु के पास गया, शरीर से तो मैं प्रभु के पास गया लेकिन मन से मैं रावण के पास था। जब प्रभु ने मुझे बाण मारा जिससे मैं 100 योजन दूर जाके गिरा, तो शरीर से तो दूर हो गया लेकिन मन से मैं राम के पास हो गया। तो कहते हुए मेरी दशा तो भृंगी की कीड़े की सी हो गई, अब मैं जहाँ तक श्री राम कृष्ण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। भृंगी एक कीड़ा होता है जो किसी कीड़े को पकड़ के अपने जाल में फंसाता है, लेकिन ना उसे मारता ना उसे खाता है। जिस कीड़े को जाके जाल में फंसाता है वह भयवश भृंगी कीड़े का चिंतन करता है, भय के कारण वह स्वयं भृंगी कीड़ा बन जाता है और बाहर निकल आता है। तो कहने का भाव क्या कि इंसान जिस वस्तु का चिंतन करता है उससे गुण अवगुण उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए, जिसके कारण प्रभु के गुण हमारे जीवन में आ जाए। अब मैं जहाँ तक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, मुझे सब जगह राम लक्ष्मण ही तो दिखाई देते हैं। तो कौन कहता है प्रभु ने मुझे दूर किया, प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मुझे करीबी तो लिया है। और हे तक यदि वे मनुष्य तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जैसे ताड़का और सुबाहु का मार्ग
शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अपने कुल के ही कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसे बहुत सी गालियां दुर्वचन कहे का, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार मेरे समान योद्धा कौन है? यही तो मोहग्रस्त और अहंकार में इंसान की विशेषता है, वो कभी किसी की बात न सुनता है न समझता है। मारिच उसे समझाता है तो कहता है, गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, ये उसकी नासमझी है। तब मारिच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी जिसके आपको शस्त्र तो शस्त्रधारी मर भी भेज जाने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया इन नौ व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। क्या कहे, इन नौ व्यक्तियों से वैर करने में कल्याण नहीं। कौन से हैं? शस्त्रधारी शस्त्री मर्मी जो भेज जानते हैं, समर्थ स्वामी जो कैपेबल है सब कुछ करने में, मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया। रसोईया रसोई में क्या मिला दे जहर आपको पता नहीं चलेगा, कभी अपनी कविता के द्वारा क्रांति ले, भाट आपके उत्साह बढ़ाने के बजाय आपका उत्साह खत्म कर सकता है, वैद्य गलत दवाई देते धनवान पैसे के बल पे। इस प्रकार कहते हैं नौ व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तक ही अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा उत्तर देते नहीं करते या भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बांध रखने से ही क्यों ना मरूं, मरना है तो प्रभु के हाथ मरना ही ठीक है। हृदय में ऐसा समझ कर वह रावण साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने वह हर्ष रावण को नहीं जनाया। मन में उसे बड़ी खुशी है लेकिन ऊपर से नहीं दिखा रहा है। वह मन ही मन सोच लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उनवश किसी के वश में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। अब ही आनंद के समय श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान का मेरा वध करेंगे। तो यानी उसने सोचा मरना है तो क्यों ना प्रभु के हाथ में कम से कम परम गति तो मिलेगी। धनुष बाण धारण के पीछे मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के दौड़ते प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तो पूछा गया कि फिर फिर के क्यों देखोगे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु की शर्त है कि छल कपट का त्याग करो तो ही आप मुझे प्राप्त करोगे, और मैं तो छल का कपट का आश्रय लेके जा रहा हूँ, सोने का अमृत बन के जा रहा हूँ, तो मैं तो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उनका उनके उनके वाणी है, लेकिन प्रभु तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मैं नहीं प्राप्त तो क्या हो गया, वो तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु धनुष्पान धारण करके मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो मुझे इतनी खुशी है प्रभु, मैं नहीं प्राप्त कर सका तो क्या, अगर मेरी इच्छा थी आपको प्राप्त करने की, मेरे को मजबूरी में कपट का आश्रय लेना पड़ा, लेकिन आप तो मेरे हृदय की स्थिति जानते हो, तो आप पीछे मेरे पीछे दौड़ दौड़ कर मुझे पकड़ने के लिए चले हो, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं इस रूप को मुड़ मुड़ के बार बार देखूंगा, मैं नहीं प्राप्त तो क्या आप तो मुझे प्राप्त कर सकते हो।
और धनुष बांध दिए हुए क्यों? क्योंकि धनुष चलाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है। तो कहते मैं तो आपके आगे नहीं झुक सकता, आप मेरे आगे झुकोगे। और बाण चलाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, प्रभु मैं तो आपका ध्यान नहीं कर सकता, कम से कम आप तो मेरा चिंतन करोगे, आप तो मेरा ध्यान करोगे। तो यानी इन चीज़ों को देख के मुझे कितना आनंद हो रहा है कि भाई आप मेरे पीछे दौड़ोगे, आप मेरा चिंतन करोगे और आप मेरे आगे झुकोगे। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृत बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मनियों से जड़ कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगे हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुने उस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर उसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारिश के कपट मृग बनने का सब कारण जानते भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। लिखा हुआ भी बहुत क्लियर लिखा है, श्री रघुनाथ जी मारिश कपट मृग का सब कारण जानते हुए भी देवताओं के कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर दौड़े। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ पे धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। और आप देखोगे प्रभु ने दोबारा यहाँ पे लक्ष्मण जी को सीता जी के पास रखा और मृग का वध करने के लिए चल पड़े। फिर वही कि क्यों लक्ष्मण जी को सीता जी के पास रखा, पहला कारण ज्ञान जीवन से दूर चला भी जाए तो घबराने की जरूरत, जब तक वैराग्य है तब तक भक्ति सुरक्षित है। भक्ति का नाश तब होता है जब वैराग्य चला जाएगा जीवन से। तो दूसरा भाव क्या है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, वैराग्य के जीवन में प्रलोभन नहीं होता, ज्ञानी के जीवन में प्रलोभन होता है, यानी अट्रैक्शंस होता है, प्रलोभन या अट्रैक्शंस। सोने के पीछे ज्ञानी दौड़ सकता है, वैराग्य नहीं दौड़ सकता। अगर वैराग्य का सोने के पीछे दौड़ेगा तो फिर वो वैराग्य कैसे कराया जा सकता है, वो तो प्रभु के पीछे ही दौड़ता है, किसी और के पे दौड़ ही नहीं सकता। इसलिए ये मर्यादा के विरोध होगा, इसी कारण से उन्होंने लक्ष्मण जी को मृग के पीछे नहीं दौड़ाया, स्वयं गए। और तीसरी चीज माया मृग, माया का नाश कौन कर सकता है, ईश्वर ही एकमात्र है जो माया को पकड़ के उसका नाश कर सकते हैं। यही कारण से प्रभु स्वयं गए और लक्ष्मण जी को सीता जी के पास रखा। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पास दौड़े, सॉरी उसे कहते तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला, श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते, वेद कहते जिनका पार हमने नहीं पाया, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितान परे हैं, वही श्री राम जी माया से बने मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होना और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया।
तब श्री रामचंद्र जी ने तक का निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है, यानी मृत्यु के समय कपट का त्याग करना, राम नाम का उच्चारण करना, प्रेम हृदय में होना, यही उसको मुक्ति का कारण बन गया। तो इसका अर्थ शिव जी ने क्या लिया, कहते माया के पीछे तो सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक माया को कोई पकड़ नहीं पाया। जो माया को पकड़ के उसका नाश कर सकता है वो एकमात्र ईश्वर ही होता है। तब भगवान ने अपनी ईश्वरता साबित की कि देखो मैं ही ईश्वर जो माया को पकड़ के उसका नाश कर सकता हूँ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे और प्रभु के गुणों की गाथाएं यानी स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि इन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ पे धनुष कम में तरकर शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी को हंसी आज तक सुना था, जीव संकट में होता और ईश्वर सहायता करता है। आज पहली बार सुन रहा हूँ कि ईश्वर संकट में मुझ जीव को कह रहे सहायता करने के लिए। उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने हंसा कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास बहु के इशारे मात्र से लय हो जाता है, बहु कहता है आईब्रो के इशारे मात्र सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर सीता जी ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। अब दोहे पे क्या लिखा जरा ध्यान देना, मर्म वचन जब सीता बोला, भैया सीता तो बोलती है, सीता बोला कैसे कह दिया, क्या तुलसीदास जी गलत लिख गए हैं? कहते नहीं, सीता बोला मतलब वास्तव में राम जी सीता जी के माध्यम से बुलवा रहे थे। सीता जी कभी कठोर शब्द ही बोल सकती हैं। प्रभु चाहते थे कि ये मैं लक्ष्मण जी दूर होए और मेरी लीला आगे बढ़े, सीता हरण होए, इसलिए लिखा है मर्म वचन जब सीता बोला, यानी राम जी सीता जी के माध्यम से बुलवा रहे हैं। फिर कहता हरि प्रे लक्ष्मण मन डोला, यानी लक्ष्मण जी छोटी सी बातों को देख के विचलित कभी नहीं हो सकते हैं, छोटी सी छोटी छोटी बातों को लेकर। देखिए प्रभु की प्रेरणा थी कि तू यहाँ से निकल, यानी प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन चल उठा, वो वहां से हट पड़े। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए रावरूप श्री राम जी थे। तो अगर अगर ध्यान से पढ़ा जाए इस मानस को, तो सारा खेल प्रभु का रचा हुआ है। किसी को यश देना है, किसी को अपयश देना है, बाकी सारा खेल प्रभु स्वयं कर रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी गए, यानी जब जीवन से वैराग्य जाता है तभी तो मोह आता है, तभी रावण आया। रावण सोना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही दिसर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता भड़ियाई, यानी चोरी के लिए चला। काकभुशुंडी कहते हैं, गरुड़ इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। जब इंसान गलत काम करता है तो उसका आध्यात्मिक बल और तेज नष्ट हो जाते हैं। रावण ने अनेक प्रकार की स्वामनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे।
तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही राक्षस राज तो मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। यानी वो कब दूर हुए, कब गए, रावण आया जब लक्ष्मण जी दूर हो, यानी जब वैराग्य जीवन से दूर होता है तभी जाके मोह रूपी रावण आता है और भक्ति का अपहरण करता है। जब हम वैराग्य के मर्यादा को का उल्लंघन करते हैं, लक्ष्मण रेखा क्या है, वैराग्य की रेखा, वैराग्य पूर्ण भले ना हो जीवन में लेकिन उसकी कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। जीव जब वैराग्य के मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी तो मोह रूपी रावण आके भक्ति का अपहरण करता है। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कहती, हा जगत के अद्वितीय और शिरगुना जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरधर जटायु सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसे देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेश के पाले पड़ गई हो। वो बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत को पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह तो मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़ पर, वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सिंह मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथों पी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। उसका क्या भाव था रावण का, कि जैसे लोग तीर्थों में जाते हैं और उधर शरीर छोड़ के उन्हें अच्छी गति मिलती है, तो मेरे हाथ भी तीर्थ की तरह मेरे हाथ से मर के ये शुभ गति प्राप्त करना चाहता है। यह सुनते गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूरा अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण को उत्तर नहीं देता, तब गीद क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीद सीता जी को एक और बिठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीन कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को बार को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था, सीता जी आकाश में विलाप करते हुए जा रही है।
मानव व्याट के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई है, कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह श्री सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। तो वानरों को देखकर सीता जी ने क्यों वहाँ पे अपने वस्त्र डाल दिए? क्योंकि सुग्रीव जहाँ पे रहते हैं, सुग्रीव में बहुत कमियाँ हैं। वो डरपोक है, भगोड़ा है, कामी है, विषयी है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ की उसके अंदर सबसे बड़ा गुण है कि उसके जीव में हनुमान जी हैं, जो साक्षात शंकर जी के अवतार है और विश्वास के प्रतीक है। दूसरी चीज, सुग्रीव में सरलता है, वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है। जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और जिसके जीवन में विश्वास हो, उस पे ऊपर कृपा अवश्य होती ही है। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी का बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उस छवि को हृदय में रख कर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती हैं। तो पूछा कि हमारे आप इस छवि को क्यों धारण किया? जिस कपट मृग के पीछे दौड़ रहे थे, वो छवि आपने क्यों धारण किया? प्रभु की तो अनेक छवियाँ बाल रूप के भी है। प्रभु जब विवाह कर रहे थे कितने सुंदर थे, उस छवि का भी आप ध्यान कर सकते हो। आपको ये रूप क्यों प्यारा है जिस रूप को लेके वह मृग के पीछे दौड़े थे? क्योंकि जब प्रभु विवाह हुआ था, आपने दर्शन किए थे, तो आपको वह रूप प्यारा नहीं लगा? वो तो कितना सुंदर था। कामदेव भी उसका उधर आने में संकोच कर रहा था। तो कहते वो रूप मुझे बिल्कुल प्यारा नहीं। कहते क्यों प्यारा नहीं है? कहते वो रूप जो जब जब दूल्हे रूप में थे, दूल्हा जो है बहुत धीरे धीरे आपके कदमों को उठाता है। अगर मैं दूल्हे रूप का चिंतन करूँगी तो प्रभु को हमारे पास पहुँचने बहुत समय लग जाएगा। जब हम संकट में होते हैं तो मुझे वो रूप बिल्कुल प्यारी, क्योंकि दूल्हा तो धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे कदम उठाता है। इस रूप की विशेषता यह है कि वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है मारिज, क्योंकि उसने कपट का आश्रय लिया है। लेकिन उसकी चाह है प्रभु को प्राप्त करने की, क्योंकि इसके अंदर चाह है प्रभु को प्राप्त करने की, प्रभु उसके पीछे दौड़ते हैं। क्योंकि हमें तो वो प्रभु चाहिए हैं जो हमारे पीछे दौड़े, हमको पकड़े और हमारी विपत्तियों का नाश करे। इसी कारण से वे रूप मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसके अंदर कमियां भी हैं, कपट का आश्रय भी लिया है, लेकिन एक गुण था कि उसके अंदर प्रेम था। वो चाहता प्रभु मेरे पीछे दौड़े, क्योंकि मैं तो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु तो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु जिसे प्राप्त करना चाहे और उसके पीछे दौड़े, कहते ये कितना भाग्यशाली था मारिज। कहते मुझे इसी कारण से वो रूप बहुत प्रिय, जिस रूप को लेकर प्रभु दौड़ते हैं। मुझे दौड़ते प्रभु चाहिए जो दौड़ के भक्त के पास आए, न कि धीरे धीरे कदम उठाते हुए। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे देखा, भाई रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी वहाँ गए, जब गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते,
लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लता और वृक्षों के पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षी पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहे मृग ननी सीता को देखा है, खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोयल कुंद कली अनाब बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी अरुण का पाश कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। यानी प्रभु ने अपनी सर्वव्यापकता दिखाई कि सारे के अंदर जीवात्मा है और मेरा अंश है, इसलिए वारिक से पूछ रहे हैं। बेल स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर यह अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अलग स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीरी और अत्यंत कामी पुरुष हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रभु अपने आचरण के द्वारा दिखाना चाहते हैं बगैर भक्ति के ज्ञान की क्या दशा होती है। ज्ञान भी व्याकुल हो जाता है, ज्ञानी भी व्याकुल हो जाते हैं। भक्ति का होना बहुत जरूरी है जीवन में दृढ़ता और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, भक्ति बहुत जरूरत है। बगैर भक्ति के जीव की क्या दशा होती है, ये प्रभु अपने चरित्र के द्वारा दिखाना चाहते हैं। फिर लिखा भी आगे क्या है, पूर्ण काम यानी जो कंप्लीट है, आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कैसे चरित्र करे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा, वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिश आदि रेखाएं चिन्ह हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी ने प्रश्न कर दिया कि जटायु को क्या फायदा हुआ, सीता जी को बचाने गए बचे तो नहीं उल्टा पंख कट गए। यानी हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या फ़ायदा, आप भक्ति को तो प्राप्त कर नहीं सके, उल्टा तुम्हें कष्ट ही हो गया, जब से भजन कर रहे हो तो कष्ट बढ़ गया घटने के बजाय, ऐसा क्या फ़ायदा, नहीं करते वही अच्छा था। तो जटायु ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, कहते अगर मेरे पंख होते तो मुझे साधन करना पड़ता, उड़ना पड़ता अयोध्या जाने के लिए और प्रभु के दर्शन करने के लिए, और अयोध्या जाने चित्रकूट से अयोध्या जाने में सॉरी किष्किंधा नगरी से अयोध्या जाने में बहुत समय लग जाता है, कई दिन बीत जाते हैं और वो भी पता नहीं प्रभु के दर्शन होते कि नहीं होते, कब प्रभु के दर्शन होते पता नहीं। लेकिन जब पंख कटे तब क्या हुआ, प्रभु चल के हमारे पास आए। यानी जब जीवन में मनुष्य अपने आप को असमर्थ महसूस करता है भजन करते हुए असमर्थ, वहाँ पे उसे प्रभु की कृपा दिखाई देनी शुरू होती है। जब तक वो साधन असाधन का अभिमान रखता है तब तक उसे कृपा नहीं मिलती। जहाँ पे वो अपनी असमर्थता का उसे बोध होता है वहाँ पे उसे कृपा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और तो प्रभु स्वयं चल के मेरे पास आए, तो पूछा गया चल चल ये तो ठीक है, तुम प्रभु का स्मरण तो करो लेकिन उन वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर जिनमें ध्वजा कुल आदि रेखाएं हैं, तो उन रेखाओं का चिंतन क्यों करो? चरणों का चिंतन करना अलग बात है लेकिन उनमें जो रेखाएं पड़ी उनका चिंतन क्यों करो? तो कहते इसलिए, कहते प्रभु के भाई की एक विशेषता है, लक्ष्मण जी की विशेषता है, उन्होंने जो रेखा खींच दी, जो लक्ष्मण रेखा से खींच दी,
उसको रावण नहीं लांग सका। अगर प्रभु के भाई की खींची हुई रेखा को रावण नहीं लांग सका, तो अगर मैं प्रभु के चरणों की रेखाओं का चिंतन करूँगा तो यमराज कैसे लांग के मेरे प्राणों का अपहरण कर सकता है। मुझे प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए प्राणों को बचाए रखना है, इसलिए मैं उन रेखाओं का चिंतन कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रेरणा तो मिली लक्ष्मण जी की रेखा को देखे, जिस रेखा को प्रभु के भाई ने खींची उसको रावण नहीं लांग सका, तो प्रभु के चरणों की रेखाओं का अगर चिंतन, तो यमराज कैसे लांग करके मेरे प्राणों को हरण कर सकता है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने उसके अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर का कर कमल उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भाव जन्म मरण मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुने हे नाथ, रावण ने मेरी दशा की है, उसे दुष्टे जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है, सीता जी कुरी की तरह अत्यंत विलाप करी है। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रोक रखे, हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, भले वो भक्ति को बचा नहीं सका, उसने प्रयास किया, उसके प्रयास के कारण प्रभु ने उस पर कृपा की। कई बार प्रभु सफलता नहीं देते कि इसका कारण यह है कि जीव के अंदर अभिमान ना आए, मैंने ये प्रयास किया इसलिए मुझे सफलता मिली। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जीव के हृदय में दीनता के भाव बने रहे, उसके अंदर कोई साधन का अभिमान ना हो कोई भी चीज़ का, तो इसलिए उसको सफल नहीं होने देते, कह के दैन्य भाव बना रहे, लेकिन कृपा जरूर कर देते हैं। भगवान जीव के प्रयास को देखते हैं, वो कितनी सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। भगवान आप रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है। वह कहते हैं गॉड इज एफर्ट ओरिएंटेड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, तो नहीं, वो आपके प्रयास को देख के आप पे कृपा करते हैं। सफलता न सफलता वो भगवान के हाथ में है, इस तो उसकी चिंता में, क्योंकि अगर जीव सिंसियरली प्रयास करेगा भले वो न सफल होए, उस न सफलता के पीछे प्रभु का हाथ होता है, उसके अंदर अभिमान ना आए इसलिए उसको सफल नहीं होने देते, लेकिन कृपा उसको जरूर देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करके उसे अपने धाम प्रदान कर देते हैं। तो कहते हैं मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे, कृपा ने आप ये चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र का हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्काते मुंह से बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से आधा महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूँ। कहते हैं कि आपको प्राप्त करने के बाद क्या करूँगा शरीर को रख के। दो पक्ष हैं, पहला पक्ष क्या है, जैसे नाव की जरूरत पड़ती है उस पार जाने के लिए, लेकिन उस पार जाने के बाद तो जीव नाव को छोड़ देता है, नाव को पकड़ के नहीं रखता। सीढ़ी की आवश्यकता ऊपर चढ़ने के, ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को छोड़ देता है पकड़ के। जब आपको प्राप्त करने के बाद मैं क्या करूँगा शरीर को रख के। दूसरा पक्ष क्या है, बगैर इसलिए मैं शरीर को बनाए रखता भजन करने के लिए, तो जो भजन नहीं कर पाते उनके लिए शरीर का त्यागना ही अच्छा है। अगर प्रभु की कृपा मिल जाती, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि फिर आप विषय भोगों में पड़ जाओगे, इसी कारण से शरीर का त्यागना ही अच्छा है। जो भजन कर सकते हैं वो शरीर को बनाए रखे, क्योंकि प्रभु उनके हाथ से कई कार्य उन्होंने अपने कराने होते हैं। तो ये तो गीत था, मांसाहारी जीव था, और पता नहीं कृपा होगी नहीं होगी। आज तो उसको जरूर कृपा मिली, क्योंकि उसे भक्ति को बचाने का पूर्ण प्रयास किया, भले सफल नहीं हुआ तो क्या हो गया, प्रयास किया इसलिए उसको कृपा का पात्र जरूर बना। तो कहते हैं
आप मैं नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हे नाथ, आप मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखो। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे तात, आपने अपने शेष कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिसके मन में दूसरे का हित बचता है समय तो उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। यानी पर उपकार किस्मान को धर्मी, जो हमेशा किसी का मंगल चाहते हैं या करते हैं उनका कभी बुरा नहीं होता। हम लोग दूसरे का बुरा करके सुख चाहते हैं वो कभी हो नहीं सकता। हेता श्री छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए, मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम में सब कुछ पा चुके हैं। हेता सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा, यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीत के ध्येय त्याग कर हरि का रूप धारण किया, बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति करे। तो उसे कौन सा मोक्ष दिया प्रभु ने? स्वरूप मुक्ति दी, स्वरूप मुक्ति यानी आपने चतुर्भुजी रूप दिया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी मैं रावण का वध करूँ, क्योंकि सीता को हरण करके ले जा रहा था, तो वो उसे सफलता नहीं मिली। जब उसे हरि का रूप प्राप्त हुआ तो ये इसलिए बताया कि देख कि मैं भी हरि और तुझे हरि का क्यों दे रहा हूँ कि तुम मेरे माध्यम से रावण का नाश कर रहा है। और उससे स्तुति की, हे राम जी आपके जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं सगुण हैं और सत्य ही गुणों माया के प्रेरक हैं। दस सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बांध धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजा वाले और भाव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद यानी वेद वाक्य द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत द्वंद्व कहते दो चीज को, जन्म मरण सुख दुख हर शोक आदि द्वंद को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार तथा जो संत राम मंत्रों को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले। मानी राम नाम जपने से जीव को शांति मिलती ही मिलती है। अगर नहीं मिलती तो दो कारण है, पहला कारण वो जप नहीं रहा है और दूसरा कारण वो जप रहा है तो बहुत कम मात्रा में जप रहा है, इससे उसको लाभ नहीं दिखाई देता। जितनी मात्रा में जीव को जपना चाहिए उतनी मात्रा में न जप करने कारण उसको वो लाभ नहीं दिखाई देता। तो उन सब सेवकों के मन को आन देने वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी का मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुत्य निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणा कण शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्याम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, वही मेरे हृदय में निवास के जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है।
अखंड भक्ति का वर मांगकर गदा जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। यह सौभाग्य दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हो सका। जो सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, प्रभु उसके दाह कर्म आदि सारे संस्कार प्रभु स्वयं अपने हाथों से करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन? केवल भक्ति को बचाने का प्रयास किया, बस और कुछ नहीं। तो आप सोचो, प्रभु तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। तो जीव को, प्रत्येक जीव को साधन प्रयास करते रहना चाहिए, बाकी उसे स्वयं कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, भले वो लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो या ना हो। कई बार प्रभु की इच्छा से वो सफलता नहीं भी मिलती है, अहंकार ना आए इस कारण से, लेकिन कृपा अवश्य उसे मिल जाती है। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीद पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी दुर्लभ गति दी, जैसे योगीजन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभाग्य हैं जो भगवान को छोड़कर विश्वों से अनुराग करते, यानी प्रेम करना चाहिए था भगवान के साथ, राम के साथ, और इन्होंने प्रेम किया है संसारिक वस्तुओं के साथ, संसारिक लोगों के साथ, और उसके कारण वो दुखी रहते हैं, वो अभाग्य हैं जब भगवान को छोड़कर सबसे प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लता और वृक्षों से भरा है, उससे बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला, उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। तो ये कबंध राक्षस कौन था? ये एक गंधर्व था, और गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं जो स्वर्ग लोक में वास करते हैं। दुर्वासा ऋषि देखने में सुंदर नहीं थे, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि की कुरूपता का मजाक उड़ाया, तो परिणाम क्या हुआ? तो उसको राक्षस बनना पड़ा, यानी, और जब उसको राक्षस बना, उसको सिर नहीं मिला। सिर क्यों नहीं मिला? विराट प्रभु के विराट रूप में क्या होता है, विराट रूप में ब्राह्मण प्रभु के मुख माने गए, क्षत्रिय जो हैं प्रभु की भुजाएँ मानी गई हैं, वैश्य जो है प्रभु के उदर माने गए हैं, और शुद्ध जो है प्रभु के चरण माने गए हैं, लेकिन चारों ही प्रभु के शरीर में हैं। तो जब इसने दुर्वासा ऋषि का मजाक उड़ाया, यानी ब्राह्मण का उड़ाया, और ब्राह्मण प्रभु के मुख है, तो इसी कारण से उसको जो शरीर मिला उस पर सर नहीं था, इसी कारण से, क्योंकि ब्राह्मण का मजाक उड़ाया था, इसी कारण राक्षस बना। अब प्रभु के स्पर्श करने से उसका वह शाप मिट गया, उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। श्री राम जी ने कहे, गंध सुनो, मैं तुम्हें कहता, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। ब्राह्मण कुल जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो प्रभु भक्त होता है, वही वास्तव में ब्राह्मण होता है। गीता के 18वें अध्याय के 41 श्लोक में स्वयं कृष्ण कहते हैं, गुण और कर्मों के विभाग से मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाता है, गुण और कर्मों से। और सेकंड नंबर श्लोक कहता है कि ब्राह्मण के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जो लक्षण जिसके अंदर हो तो ब्राह्मण है, अगर लक्षण नहीं है तो वह ब्राह्मण है ही नहीं। तो इंसान जन्म से नहीं होता, वो अपने कर्मों से बनता है। तो यानी जब जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण होते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मण। शूद्र भी अगर भगवान का भजन करता है और उसके अंदर देवी गुण आ जाते हैं, वो भी जगत गुरु और भगवान का नाम का प्रचारक बन सकता है, वो ब्राह्मण बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? तो उसकी जो इंटेलिजेंस, भजन करने से इंटेलिजेंस ही बड़ी अच्छी हो जाती है, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया गया। हरिनाम करने से इंसान की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और बुद्धि तेज भी हो जाती है, दोनों चीज़ें देखी गई है। प्रभु के नाम की विशेषता है।
मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है उस समय ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। यानी जब भगवान के भक्तों की सेवा करता है जो ब्राह्मण का हो या भक्त का हो तो कहते हैं हम सब उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि भक्त के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भक्त से कथा सुनते हो, भक्त आपको प्रेरणा देता नाम जप करने का, उसी के फल स्वरूप हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अपने आप ग्रंथ पढ़ने से एक इतिहास पता चलता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन भाव और अर्थ नहीं मिलते। भक्ति यानी प्रेम जो मिलता है वो भक्त को भक्त के माध्यम से ही प्राप्त होएगा। तो कहते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करता है भक्तों की सेवा करता है मुझे ब्रह्मा विष्णु शिव सब उसके अधीन हो जाते हैं। शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहते हैं ब्राह्मण पूजनीय है ऐसा संग कहते हैं। मतलब क्या है, अगर ब्राह्मण के अंदर कुछ अवगुण भी हैं, अगर वो रियली ब्राह्मण है और भजन कराए धीरे धीरे वो अवगुण अपने आप चले जाएंगे और सद्गुण उसके अंदर आएंगे आएंगे। वो क्यों पूजनीय है कमियां होने के बावजूद, क्योंकि वो भजन कराए सिंसियरली प्रयास करे, क्योंकि वो सिंसियरली प्रयास करे भजन कराए तो एक दिन में तो नहीं सब बंदे के अवगुण निकलते, धीरे धीरे निकलते, एक समय आएगा वो परम कृपा का पात्र हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। इसलिए जो भजन करता कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे उसके अंदर थोड़ी कमियां भी क्यों ना हो, क्योंकि वो कमियां समय आने पर सब नष्ट हो जाती हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पुण्य है, ये जो दूसरों की भावना का भले ख्याल न करता हो और ज़्यादा गुण ना भी हो, क्योंकि वो भजन कर रहा है इसलिए वो पूजनीय है। और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शुद्ध पुण्य नहीं है, उसके किंतु भी ज्ञान हो और दूसरी चीज उसके अंदर कुछ गुण भी हो तो भी जो शुद्ध जो भगवान से विमुख होते वो पूजने नहीं होते। कारण क्या है, उनके स्वार्थ में थोड़ा सा भी ठेस पहुंचेगा वो आपको के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, वो आपके साथ बदला भी लेंगे। संत कभी किसी से बदला नहीं लेता, संत सबका मंगल चाहता है। अगर उनके आप स्वार्थ में ठेस पहुंचती है या कुछ विपत्ति आती है तो क्या होता है कि वो आपका लिहाज कभी नहीं करेंगे, ना आप ना उनके मन में कोई दया के भाव उत्पन्न होंगे। आर्टिफिशियल दिखता कि उनके अंदर हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। दूसरी चीज, विपत्ति जब आती है इंसान की बुद्धि सीमित होती है, वो अपनी जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हम लोगों से बोलते हो राय दो उपाय बताओ, क्या बताएंगे। अगर लोग इतने बुद्धिमान होते तो उन सबके जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो गया होता। तो ये इनका समाधान कब होता है, जब जीव प्रभु का आश्रय लेता है, प्रभु अपनी कृपा से जीव के उलझनों को सुलझाते हैं। जीव अपनी समस्या को नहीं सुलझा सकता, वो प्रभु की कृपा से ही समस्या सुलझती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। इससे कहा गया कि और क्या कहते हैं, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शुद्ध पूजनीय, उसको ज्ञान हो सकता होगा, गुण दिखाई देते हैं फिर वह पूजनीय क्योंकि विमुख है, तो सद्गुण उसके जीवन में ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। आर्टिफिशली वो जैसे कोई हमको स्माइल करता कोई मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुश होता है, क्योंकि वो हमें मुस्कान कम मिलता है क्योंकि उसको तनख्वाह दी जाती है ये स्माइल करके बात करने के, इसलिए हमें लगता है, लेकिन वो अंदर से दुखी होता है। तो उसको आप ये कैसे कह दे कि वो बड़ा खुश है। तो गुण दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं वास्तव में अंदर से, वो आर्टिफिशियल दिखाई देते हैं। और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय, शूद्र कौन है, जो पाप कर्म में लगा रहता है, मांसाहारी शराबी जुआरी परस्त्रीगामी, ये सारे शूद्र की कैटेगरी के अंदर आते हैं। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी यानी उसे प्रभु ने गति दे दी और मुक्त हो गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी का प्रसंग
बहुत प्यारा प्रसंग है, इस प्रसंग को हम कल उठाएंगे और नवदा भक्ति का वर्णन भी हम कल पढ़ेंगे जो राम जी ने शबरी जी को नवदा भक्ति के विषय में कहते हैं। तो विश्राम करने का समय भी हो चुका है। वांछा कल्पत्रु भयस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।